हेलो फ्रेंड्स, ये सिंपल केबल का डिज़ाइन है। ये बहुत ही पुराना डिज़ाइन है, लेकिन फिर भी अभी भी ये बना के उतना ही अच्छा लगता है, नया दिखता है। ये सिर्फ बिल्कुल सिंपल है, बस सिर्फ एक जगह टर्न लेना होता है। और ये 5 फंदों का डिज़ाइन है। इसमें पैटर्न बनाने के लिए मैंने 24 फंदे डाले हैं, और फर्स्ट एंड लास्ट फंदे को मैंने बिना बुने उतारना है, जिससे कि ये सरफेस स्मूथ सी आती है और सिलाई करने में फिनिशिंग अच्छी आती है। इसको मैंने लाइट कलर में डाला है, आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको ये दिख रहा होगा। अब इसको मैंने डार्क कलर में डाला है, और डार्क कलर में कैसा दिखता है दोनों में ट्राई करके ये मैं बना रही हूँ। इसका फर्स्ट फंदा बिना बुने ऐसे ही उतार देना है, और नेक्स्ट फंदे में 2 फंदे सीधे, जैसे साधारण सीधे फंदे बुने जाते हैं नॉर्मल, 2 फंदे सीधे और ऊन आगे करेंगे, 1 2 और ये 3 फंदे उल्टे, फिर ऊन पीछे करेंगे और 2 1 2, 2 फंदे सीधे, फिर ऊन आगे, 2 फंदे उल्टे। इसी तरह लास्ट तक 2 फंदे सीधे और 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, सिर्फ लास्ट वाला फंदा बिना बुने उतार देंगे। आइए पहले इसे कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, फर्स्ट और लास्ट उतारा है, और 2 सीधे 3 उल्टे करके मैंने पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली। अब इसके बैक साइड में, रॉन्ग साइड में हम आते हैं। तो पहला फंदा तो हम एज इट इज बिना बुने उतार लेंगे, और दूसरे जो उधर 2 सीधे थे इधर उल्टे हो जाएंगे, तो 2 फंदे उल्टे, फिर उन पीछे करेंगे। और अब देखिए, 3 फंदों में से 1 2, अब उन पीछे ही रहेगा, और इस फंदे को हम बिना बुने, लास्ट वाला जो तीसरा, 3 सीधे फंदे थे उसमें से 2 तो बुन लेंगे, और तीसरे वाले को बिना बुने ही हम ऐसे उतार देंगे, फिर उन आगे करेंगे और 2 उल्टे, 1 2, फिर उन पीछे करेंगे। ये देखिए, 3 सीधे, जो उधर हमने 3 उल्टे बिने थे इधर 3 सीधे हैं, तो उन 3 सीधों में से फर्स्ट एंड सेकेंड इसे तो हम बुन लेंगे, और लास्ट थर्ड वाले को बिना बुने ही ऐसे उतार लेंगे, बिना बुने ही, फिर उन आगे करके 2 उल्टे, उन पीछे करेंगे, 1 एंड 2, और ऊन पीछे ही रहेगा, और थर्ड वाले को बिना बुने उतार लेंगे, फिर ऊन आगे करेंगे और 2 उल्टे। ऐसे ही पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे, लास्ट वाले को बिना बुने उसे हर सिलाई में ऐसे उतारेंगे प्लेन सरफेस के लिए। देखिए, ये जो डिज़ाइन मैंने इस पे डाला हुआ है, ये सीधी तरफ ऐसे दिखता है, और इसके रॉन्ग साइड में ये जैसे नॉर्मल बॉर्डर दिखता है वैसे दिखता है। अब हमें इसी तरह से पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। कंप्लीट हो गई। अब ये हम थर्ड रो पे आ गए। पहला फंदा बिना बुने उतारे, 2 फंदे सीधे, 1 और 2, ये 5 फंदों के कुल डिजाइन है। अब उधर जो फंदा हमने बिना बुने उतारा था, ऊन आगे करेंगे, ऊन आगे करके हम जो ये वाला बिना बुना था इसे बिना बुने उतार लेंगे, और 2 फंदे जो उधर बिना बुना उतारे थे उसको भी इधर बिना बुने उतारेंगे, 2 उल्टे, फिर उन पीछे, 2 सीधे, और ये देखिए ये बिना बुना वाला है, तो इसमें ऊन आगे करके इसे एज इट इज ऐसे उतार देंगे, बुनेंगे नहीं, फिर ऊन ऊन आगे ही रहेगा, और फिर ये 2 उल्टे, फिर ऊन पीछे, 2 सीधा, ऊन आगे, ये देखिए बिना बुना वाला फंदा है, इसको ऐसे ही उतार देंगे, और उसके बाद के 2 उल्टे, फिर ऊन पीछे, 2 सीधा, ऊन आगे, ये देखिए बिना बुना वाला, ये आपको क्लियर शायद हो रहा होगा, ये देखिए बिना बुना इसको ऐसे उतार देंगे, और 2 उल्टा, ऊन पीछे, लास्ट के ये 2 सीधे बचे, और ऊन आगे करके इसे बिना बुने से उतार देंगे। फिर इसे आप बिना बुने भी उतार सकते हो, और इस तरफ से आप उल्टा उतार बिन लो, उधर आप बिना बुने उतार लो, बस लास्ट वाला सरफेस प्लेन आना चाहिए, फिर आपने इधर आ गए। ये थर्ड रो थी, अब ये फोर्थ रो है। देखिए, फोर्थ
फोर्थ रो, एक पहला फंदा बिना बुने उतारा, ऊन आगे, उल्टे, दो उल्टे दिख रहे हैं आपको, तो आपने दो उल्टे बना लिए, फिर ऊन पीछे, दो फंदे सीधे, और ये जो बिना बुना वाला फंदा था इसको आप ऐसे बिना बुने ही उतार लेंगे, फिर ऊन आगे और ऐसे दो फंदे सीधे और तीसरा वाला बिना बुने उतार लेंगे, ऊन आगे, दो उल्टा, दो सीधा, थर्ड वाला बिना बुने ऐसे उतार लेंगे, फिर ऊन आगे, दो उल्टे, दो सीधे, थर्ड वाला बिना बुने उतार लेंगे, फिर ऊन आगे, दो उल्टा, फिर लास्ट वाला उल्टा ऐसे बिनेंगे। फिर आप फिफ्थ रो में आ गए, फिफ्थ रो में एक उतार लें, पहला फंदा तो उतार नहीं है, फिर ये दो आपको सीधे दिख रहे हैं, दो आपने सीधे बुन लिए, ऊन आगे करेंगे, और ये पहला जो बिना बुना दिख रहा है इसको आपने थर्ड सिलाई में भी ऐसे बिना था, अब आप फिर बिनेंगे, बिना बुना वाला ऐसे उतार लेंगे। फिर ये हमारी फिफ्थ रो थी, तो इसमें दो फंदे सीधे, ऊन आगे किया, ये बिना, देखिए ये बिना बुना वाला फंदा था इसको ऐसे ही उतार लेंगे, ऊन आगे ही रहेगा, इसके बाद दो सीधे दिख रहे हैं तो उन्हें दो सीधे ही बिन लेंगे, फिर दो सीधे। पांचवी रो हमारी ख़त्म होने वाली आ गई, बस ये दो सीधे ऊन आगे करके एक उल्टा बिन लेंगे, और ये हमारी छठवीं सिलाई है। पांच सिलाइयाँ हमें जैसे दिख रही थी, मैंने सिंपल ही बिननी है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस रॉन्ग साइड में उल्टे वाले फंदे को बिना बुने उतारना है और राइट साइड में सीधे वाले फंदे को बिना बुने उतारना है। अब छठी सिलाई में ट्विस्ट करना है, पहला फंदा तो एज इट इज बिना बुने उतार लेंगे, ऊन आगे, ये देखिए दो उल्टे दिख रहे हैं, दो उल्टे बुन लेंगे, ऊन पीछे करेंगे। अब इसमें जो ये थर्ड वाला फंदा है इसको हम पहले ऐसे सीधा बुनेंगे, लेकिन इसे गिराएंगे नहीं, फिर सबसे पहले वाला सीधा और इसे गिरा देंगे, फिर सेकंड वाला सीधा और इसे गिरा देंगे, फिर ऊन आगे, दो सीधे, अब देखिए दो उल्टे, ऊन पीछे किया, और जो थर्ड वाला फंदा था इसको सबसे पहले सिलाई में घुसा के ऐसे सीधा बुनेंगे और इसे ऐसे गिराएंगे नहीं, पीछे ही रहने देंगे, फिर फर्स्ट वाला फंदा बुनेंगे और इसे गिरा देंगे, फिर सेकंड वाला बुन के इसे गिरा देंगे, फिर लास्ट में थर्ड वाला, ये देखिए ये ऐसे एक ये बन गया, फिर ऊन आगे, दो उल्टे, ऊन पीछे, सबसे पहले थर्ड वाला बुनेंगे सीधा, गिराएंगे नहीं, फिर फर्स्ट वाला सीधा इसे गिरा देंगे, फिर सेकंड सीधा इसे भी गिरा देंगे, और सबसे अंत में लास्ट वाला, ये ऐसे आ गया, फिर दो सीधे, ऊन पीछे, सबसे पहले थर्ड वन इसे बिनेंगे, गिराएंगे नहीं, फिर फर्स्ट इसे बुन के गिरा देंगे, फिर सेकंड सीधा बुनेंगे और गिरा देंगे, फिर लास्ट में ये दो उल्टे और लास्ट वाला तो उल्टा। और ये उल्टी सिलाई जो है आपको जो जैसे दिख रहा है, मतलब तीन फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, जो जैसे दिख रहा है वैसे बिन लेंगे, ये आपकी सातवीं रो होगी। और एट्थ रो से हम फिर पहली रो से रिपीट करेंगे, ये सिक्स पांच सिलाइयाँ तो ऐसे बनी में ये टर्न करना है, और सातवीं वाली एज इट इज उल्टी तरफ जो जैसे दिख रहा है बिनना है, आठवीं में फिर फर्स्ट रो से कंप्लीट करना है। ये देखिए ये डार्क कलर में ऐसे दिखता है और लाइट कलर में ऐसे, ये जो हमने सिक्स सिलाई में ट्विस्ट दिया है ये ऐसे, फिर बीच की पांच ऐसे बिननी है और फिर छठी में ट्विस्ट देना है। अब आप देखिए ये बच्चों कार्डिगन में वैसे ज़्यादा सुंदर लगता है, आप इसे बना सकते हैं, और इससे सिंपल से जो शुरू कर रहे हैं वो भी बना सकते हैं, बिल्कुल ही सिंपल है, बस एक बार आप डाल के देखिए और फिर ट्राई करिए, लाइट और डार्क दोनों कलर में है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, थैंक यू फ्रेंड्स।